हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। दर्शकों को नमस्कार। आज हमारे बीच राहुल अन्नू जी हैं और ये बहुत ही अच्छे लोक गायक हैं। कुछ इनसे जानेंगे कि आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को, फिर हम लोग शुरू करें। मैं सिंगर राहुल अनु भागलपुर बिहार से, और बहुत खुशी हुआ सर हमारे घर पे आए, और आज पूरी देश के लिए, हर पूरे इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही दुखद खबर है। ये हमारी आदरणीय शारदा सिन्हा मैम आज हम सभी के बीच नहीं रही, और कहते हैं कि छठ का गीत उनके बिना एकदम अधूरा है। उनके गीतों के माध्यम से ही हर लोगों में जागृत एक बहुत ही सुंदर सा भाव निकलता है छठ माँ के प्रति, और कभी भी उनका गाना बजता तो वो अमर रहेंगे हमेशा। उनके गीत के बिना छठ का पर्व अधूरा है। बहुत ही सुंदर, भारत ने एक अनमोल रत्न आज खो दिया। और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपसे अगर स्टेज शो करवाया जाए कहीं पर, सुना है आपका कुछ एल्बम वगैरह भी आया हुआ है, थोड़ा सा विस्तार से अपने बारे में बताएं। मैं भागलपुर से हूँ प्रॉपर, और मैं इस लाइन में 15 साल से हूँ, और बहुत स्ट्रगल किया, स्ट्रगल कर भी रहे हैं, और बहुत ही छोटे छोटे स्टेज से मैंने बड़े बड़े मंच तक जाने का, वो एक सीढ़ी बाई सीढ़ी, स्टेप बाई स्टेप चढ़ रहे हैं और चढ़ ही रहे हैं, बहुत सीढ़ी भी बाकी है। तो 15 साल में बहुत सारा स्ट्रगल किए और कर भी रहे हैं, बहुत ही बड़े बड़े कलाकार के साथ, छोटे छोटे कलाकार के साथ मैंने गाने का मौका दिया, संगत किया। हमारे आलोक कुमार सर, उनके साथ मैंने साथ में गाना गाया, गुंजन सिंह के साथ मैंने गाना गाया, अनुपमा यादव, छैला बिहारी, सीवीएस मिश्रा, देवी मैम, हर किसी के साथ मैंने स्टेज शेयर किया, बहुत ही अच्छा लगा। और एल्बम की बात, मैंने 2018 में मैंने एल्बम का शुरुआत किया था, उस समय से लेकर 2024 तक मैंने 750 एल्बम किया, छठ पूजा का, दुर्गा पूजा का, काली पूजा का, विवाह गीत, भोजपुरी सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग, कवर सॉन्ग, मैंने बहुत सारा सॉन्ग गाया है, और छठ पूजा का हाल में ही एक सॉन्ग मैंने गाया है, और मेरे साथ रिया सोनी सिंगर भागलपुर की बहुत अच्छी सिंगर है, उन्होंने मेरे साथ गाना गाया है, और मैं 2 लाइन सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल आप लोग यूट्यूब पर उस गीत को सुन सकते हैं, राहुल अनु सर्च करेंगे तो आ जाएगा वो गीत। तो रिया सोनी का ये लाइन है, कि चल बलम जी छठ माई घटिया माथे दौरा उठावा हो, चल बलम जी छठ माई घटिया माथे दौरा उठावा हो, अरग दे हब दर्शन करब सूरज देव के हो, अरग दे हब दर्शन करब सूरज देव के हो। फिर मेरा लाइन है, और बानी तैयार धनी लव मथवा पौदौरा उठाइब हो, लव बानी तैयार धनी लव मथवा पर दौरा उठाइब हो, अरग दे हब दर्शन करब सूरज देव के हो, अरग दे हब दर्शन करब सूरज देव के हो। और भी बहुत सारा गीत है, आप लोग सुनेंगे यूट्यूब पर, अपना प्यारा आशीर्वाद देंगे मुझे। एक और गीत हमारे आदरणीय कल्पना मैम ने गाई है, बहुत ही सुंदर छठ गीत, कि के कर से हम पिसवाई धोवल गेहुआ, के कर से हम किनवाई नारियल नेमुआ, बूढ़ बानी कैसे सासू जी के हो, बूढ़ बानी कैसे सासू जी के अढ़ाई बे बलाम जी, छठी घाट के करसंगे हम जाई बे बलाम जी, छठी घाट के करसंगे हम जाई बे बलम जी, रउआ बहरा से घरवा जब ना, रउआ बहरा से घरवा जब ना, आई बे बलम जी,
छठी घाट के करसंगे हम जाइब बलम जी, छठी घाट के करसंगे हम जाइब बलम जी। थैंक यू। गांव के अधिकारी हमर छोटका भैया हो, ग्राम के अधिकारी हमर छोटका भैया हो, भैया हाथ लेके दौरा तो उठाइली चौपा खुल गड़ाइली हो, भैया हाथ मत दौरा उठाइली छघटिया तू चली हो। पटना के घाटवा पर उगेलन सूरज मले झके झुके, पटना के घाट पर उगेलन सूरज मले झके झुके, एक रेलू छठ बरतिया के झके झुके, एक रेलू छठ बरतिया के झके झुके। ले पहिले हम कहनी छठ मैया बरत तोहार, छठ मैया बरत तोहार, करी हा क्षमा छठी मैया भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। अभी आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से राहुल अनु जी को सुन रहे थे, जिन्होंने अभी अभी अपने बारे में और छठ पर्व के बारे में छठ का गीत गाया। तो ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर तथा कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। आप सबों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।